हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मैं हूं अनामिका यादव। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड मसाला खबरों की। क्या है आज की खास स्टोरीज, चलिए डालते हैं एक नजर। नसरुद्दीन शाह के बयान पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, कहा दिक्कत है तो कोर्ट जा सकते हैं। इलियाना ने शेयर की बॉयफ्रेंड संग फोटो, तेजी से हो रही है वायरल। फिर साथ होंगे वरुण अनुष्का, एटली की फिल्म में आएंगे नजर। संजय दत्त ने फैन को किया इग्नोर, वायरल हुआ वीडियो। डेटिंग की अफवाहों के बीच तमन्ना भाटिया विजय वर्मा के साथ हुए स्पॉट और सोनाक्षी सिन्हा के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने किया प्यार का इजहार, पोस्ट हुआ वायरल। करते हैं शो की शुरुआत। नसरुद्दीन शाह बॉलीवुड के उन एक्टर्स में शुमार हैं जो अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से कहते हैं। इसी वजह से कभी कभी उनके बयान उन पर ही उल्टे पड़ जाते हैं और उन्हें लोगों की आलोचना झेलनी पड़ती है। इसी कड़ी में शाह ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने फिल्म सक्सेस पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ये मूवी एक खतरनाक ट्रेंड है और उनका ये फिल्म देखने का कोई भी इरादा नहीं है। इसी पर अब उन मनोज तिवारी का गुस्सा फूटा है, जिसमें उन्होंने शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि द केरल स्टोरी FIR के आधार पर बनी है, लेकिन नसरुद्दीन शाह में दम है तो आप कोर्ट चले जाएं और बातें करना आसान है। उन्होंने जो बयान दिया उसे उनका परिचय मिलता है और ये भारतीय तौर पर भी अच्छा नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्टूस पहले बच्चे के जन्म की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, वो प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने प्रेगनेंसी का ऐलान अपनी पोस्ट के थ्रू किया। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है कौन। खैर, इलियाना उन बिंदास स्टार्स में से हैं जो लोगों की बातों की परवाह नहीं करती। अब इलियाना ने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार बॉयफ्रेंड की एक झलक शेयर की है। इस फोटो को देखकर फैंस में ये भी गपशप करने लगे हैं कि क्या एक्ट्रेस ने सगाई कर ली है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अनुष्का शर्मा की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर फिर एक साथ नजर आ सकती है। इससे पहले वरुण और अनुष्का ने फिल्म सुई धागा में साथ काम किया था, लेकिन अब खबरें हैं कि वरुण और अनुष्का एक बार फिर एक साथ नजर आ सकते हैं। चर्चा है कि ये दोनों साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली के साथ काम करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अनटाइटल फिल्म एक्शन थ्रिल बेस्ड है, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री पॉपुलर स्टार्स में से एक संजय दत्त अपने स्टाइल से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हालांकि संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल संजय दत्त हाल ही में एयरपोर्ट पर नजर आए और उन्हें देखते ही फैंस सेल्फी लेने लगे। संजय दत्त को फैंस का सेल्फी लेना पसंद नहीं आया और उन्होंने एक फैंस को अपने हाथ से किनारे कर दिया, जिसके बाद का उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और एक्टर विजय वर्मा बी टाउन के न्यू लवर्स कहे जा रहे हैं। दोनों की डेटिंग की खबरें भी बीते वक्त काफी वक्त से उड़ रही हैं। दोनों को अक्सर कई इवेंट्स और लंच डेट पर भी साथ देखा गया है। वहीं एक बार फिर से ये विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया को मुंबई में साथ स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं और ये रूमर्ड कपल एक साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर एक्ट्रेस के रूमर्ड बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल ने सोनाक्षी के लिए स्पेशल पोस्ट लिखा। इतना ही नहीं, जहीर ने इस पोस्ट में खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार कर दिया। बता दें, ऐसा पहली दफा है जब जहीर इकबाल ने सरेआम सोनाक्षी को आई लव यू कहा है। हालांकि दोनों को अक्सर साथ देखा जाता रहा है, ऐसे में जहीर का ये खास पोस्ट सोनाक्षी के लिए बेहद स्पेशल रहा है। अब इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस मान रहे हैं कि सोनाक्षी और जहीर के रिश्ते का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। कैसा लगा आपको हमारा ये शो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें NTV निष्पक्ष।